स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच मैं हाँ गगनदीप आहूजा। अज असी कैंपेन ट्रेल लई चलांगे, कैंपेन ट्रेल करांगे। असी श्रोमणी अकाली दल दे लोक सभा जिहड़े उम्मीदवार ने पटियाला लोक सभा तो सुरजीत सिंह रखड़ा वो साडे नाल मौजूद ने। असी उन्हां दे ब्रेकफास्ट टेबल ते ब्रेकफास्ट करन लई बैठे हाँ। रखड़ा साहब, किस टाइम उठ जांदे सवेरे चोणां 'च और आम तौर ते भी? देखो, तकरीबन मैं 4:30 बजे उठदा ते 4:30 बजे उठ के नहा के मैं तकरीबन नहा के सैर करदा। तो आम तौर पर की दिनचर्या रहती है? सवेरे नाश्ता किस तरह खाते हो, किमें दोपहर की रोटी किमें चलता सारा? लंच तो मेरा तकरीबन जिथे मैं जाना उत्थे हो जाना। सवेरे हैवी ब्रेकफास्ट करके चलना। ब्रेकफास्ट की परौंठी होंदी है या ब्रैड ऑमलेट वगैरह अंडा वगैरह भी खाते? मेरा तकरीबन मिस्सी रोटी जी मैक्सिमम कोशिश होती कि मिस्सी रोटी हो। हाँ जी। तो दही जी सब्जी हो जाए कोई ना कोई, तो होर वधिया गल हो। मैं देख रहा मिस्सी रोटी मिसिंग है और दूसरी रोटी जी आम सादी रोटी है परौंठी टाइप वो इतने मौजूद है। और उन्होंने नाल उन्होंने दोस्त पुराने दोस्त बैठे ने कृष्ण जी, वो उन्होंने ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कृष्ण जी, रखड़ा साहब नाल कदों का संबंध है? मेरा सन 1978 1978 संबंध है। चोणा दौरान तुसी हुंदे हो जां अदरवाइज मिलते हैं? हर वक्त मिलते हैं, परिवारक मैंबर हैं जी। अच्छा। असीं साडा मिलते रहने जो भी मैं इत्थे आवां या नाभे जावां। अच्छा, नाभे दे है? किहड़े पिंड? नाभा लोकल जी, वैसे मेरा पिंड मरोड़ है जी। मरोड़ पिंड, ठीक है ठीक है। तो होर रखड़ा साहब की शख्सियत बारे दसो थोड़ा जा। बहुत शरीफ इंसान ने, हर लोग इन्होंने पसंद करते हैं, जिथे भी जाते हैं लोग बड़ा दिल नाल चाह नाल मिलते हैं। ब्रेकफास्ट असीं कर रहे हैं, मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नूं कहांगा वो भी ब्रेकफास्ट कर लैण। और उस तो बाद रखड़ा साहब काल थोड़ी दिखा रहे हैं, इन्होंने अगे मीटिंगां ते जाना। समाणा हलका च जो लोक सभा का एक विधान सभा का हलका है समाणा पटियाला लोक सभा का, उत्थे मीटिंगां संबोधन कर रहे। काफ़ी लंबा शेड्यूल है अज। उस तो बाद शाम नूं पटियाले भी मीटिंगां करनगे। ये सारा कैंपेन ट्रेल तुहानूं दिखावांगे, लोकां नाल मिलावांगे किस तरीके की कैंपेन रखड़ा साहब चला रहे हैं। आओ आपां नाश्ता करिए, उस तो बाद कैंपेन लई चलांगे। किस तरीके की रखड़ा साहब कैंपेन चल रही है थोड़ी? देखो, कैंपेन मेरी गुरु महाराज की मेहर है, सच्चे पातशाह की बहुत मेहर है, बहुत वधिया चल रही है। जिन्ना रिस्पॉन्स मिल रहा है हर बंदा, सब तो वड्डी गल तां इह हुंदी है भी जिथे जाइंदा है बहुत सत्कार दिंदे ने लोग। मैं उस मेरे को लफ्ज नहीं बन सकते जिन्हां दा मैं धन्नवाद कर सकां। ते इह हण तां बख्शा गुरु महाराज दी। देखो, सवेरे मैं तकरीबन 4-4:30 बजे उठिया, नहा धो के मैं सैर भी की है। उस तो बाद तकरीबन 200-250 बंदे मैं सवेरे मिल के आया। फिर मैं हूँ तकरीबन 9 बजे इतों चलिया, 9:30 बजे मेरा फंक्शन है तो उत्थे जाने। तो उस तो बाद सारा दिन रूटीन मेरे तकरीबन 25-26 फंक्शन होंगे रोज़ दे। रखड़ा साहब, लोक सभा हल्के च 9 विधान सभा हल्के ने और बड़ी वड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी है। जे आपां लालड़ू तो चलीए खनौरी हेड तक तो 140 किलोमीटर बनते हैं। सारी रूटीन तुसीं किवें मैनेज करदे हो? वो राबता बहुत कम कर रहा है, जिहड़ा पहला पुराना राबता बनिया होया है उही। मैनूं कोई नवीं कोई गल लगदी नहीं, साडे उही पुराने भरा। मेरा ख्याल है भी जिहड़ी मैं तो 20 साल पहले इलेक्शन लड़ी सी वो सारे साडे। मैं तो बहुत खुशी हुई कि वो बंदे हुण सानूं मिल रहे हैं। गल कीती जावे 2 विरोधी उम्मीदवार ने तुहाडे जां 3 कह सकदे आ, वैसा 25 उम्मीदवार टोटल तुहाडे समेत पटियाला लोक सभा तों लड़ रहे ने। परनीत कौर होना नूं किवें तुसीं समझदे अपने मुकाबले च? देखो, महाराणी साहब नूं लोकां ने 15 साल मैंबर पार्लीमेंट बनाया। 15 साल का बड़ा लम्मा टन्योर हुंदा है ते उहदे विच कोई प्रोजेक्ट्स दी जां कोई होर दी मैं उन्हां दा पैंफलेट पढ़िया है। उहदे च उन्होंने 5 करोड़ रुपया दिखाया, मैनूं 5 करोड़ रुपया मिलिया है ते आ 5 करोड़ मैं वंडदा। मैंबर पार्लीमेंट की ड्यूटी कल्ले ये नहीं हुंदी, मैनूं 2 करोड़ मिलदा सी। मैं तकरीबन एवरेज कर लो 500 करोड़ रुपया एक साल देता होगा, चाहे पंचायती महकमे देता, चाहे मैं वाटर सप्लाई सैनिटेशन के देता। तो बहुत ये जो पैसे मिलते हैं ये तो थोड़ा देते गां अगे। तुम पैसा हिम्मत ना किमें कढ़ के लेके आने हो, ये थोड़ी हिम्मत बनती है जी। गल की डॉक्टर धर्मवीर गांधी बड़ा क्लेम करते हैं, 5 साल च उन्होंने बहुत काम किया। वो महाराणी परनीत कौर नूं भी चैलेंज कर रहे हैं, 15 साल बनाम 5 साल। तुहानूं अपने मुकाबले से नहीं समझ रहे, इहदा की कारण है या तुसीं गांधी डॉक्टर गांधी नूं किवें लैंदे हो? देखो, ये तो गुरु महाराज ने करना, परमात्मा ने जाना, संगत ने करना। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 35-40 ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 35 ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਰਸ਼, ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 2150 ਦੇ 50 ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 67 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਆ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਤੀ। 4 ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ 2-2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲੰਡਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਭਰ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਥ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਵਾਨ 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ MLA ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਾਕੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ 4000 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਨੌਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਡੇਰਾਬਸੀ ਕੀਤੀ। ਡੇਰਾਬਸੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20000 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਗੁਣਾ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਲਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ 2 ਖੂਨੀ ਪੁਲ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਏ ਪੁਲ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁਲ ਦੇ ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, 5 ਗ੍ਰਿਡ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਤਾ। 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਪੋਲ ਲਾਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 50 ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੰਸਨ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ साढ़ा काल शुरू हो गया। तो ये समझो भी लोग 2 साल इस गल समझ चुके ने, थोड़े अनुसार भी उन्होंने झूठ बोलिया कोई वादे पूरे नहीं किए, पर सरकार का कहती असी कर्जा माफ़ किया 2 एकड़ वालों का। मैं तुहानू पूछना चाहना भी जो कैप्टन साहब ने कहा सी ਤੁਹਾਡੇ चैनल से कहा जी, सारे चैनलों से कहा जी, आप कोई लोगी च भी गलता नहीं, कैप्टन साहब ने अपने मुँह तो की कहा। देखो लोग तो कई गल पर विश्वास करते हैं जी, अज वो गल करते टोटल आप 90,000 करोड़ की गल करते हैं जी, दिता कि मेरे ख्याल 2% बनता जी, 2% का किन्ना कंपनसेट थोड़ा मतलब एक नैगेटिव वोट सू पैनगियां, लोगों की बेतबारी हो चुकी है सरकार तो। ये तो कोई दो राय है नहीं, ये तो कोई दो राय है नहीं। देखो पैड़ी का पहली बारी है भी 200 रुपया रेट वधिया, कणक का भी तकरीबन 100 रुपया रेट वधिया, तो साड़ी ये भी कोशिश होगी कि अगे वास्ते जी एग्रीकल्चर है इनू असी इकनॉमिकली ठीक करिए। ऐसा सुरजीत सिंह रखड़ा दे नाल असी कंपेन ट्रेल कर रहे हैं, असी पिंडां च पहुँच रहे हैं, इन्हां दीयां चोण रैलियां भी ने, चोण रैलियां तुहानू लोकां नाल भी मिलावांगे। सुरजीत सिंह रखड़ा अपनी चोण मुहिम कर रहे हैं, हल्का समाणा विखे पहुंचे, मैं मुहिम में हंगारा मिल रहा रखड़ा साहब? बहुत वधिया मिल रहा जी, क्योंकि ये पहला भी कैबिनेट मंत्री इस हल्के तो रह चुके हैं सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा, इन्होंने काम भी लोगों के बहुत कराए हैं। सब तो वड्डा मेन काम साढ़े इस हल्के दे विच कराहली साहब गुरुद्वारा साहब के नाल सरकारी कालेज खोलिया लड़कियों का, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ये छोटे जे पिंड तुसीं वेखिओ कितना भरवा हंगारा है, और लोग बोल बोल के रखड़ा साहब नूं महाराणी ते रखड़ा साहब दे विच फर्क दस रहे सी, वी तुसीं तां साडे विच रहिंदे हो, वो तो साडे तों वोट मंगण भी नहीं आए। रखड़ा साहब ने फ्लड दौरान इत्थे 5-5 हज़ार रुपया 10 दिनां दे विच लोकां नूं मुआवजा दिया, और उस मुआवजे दे नाल लोकां ने दुबारे जीरी ला के अपनी किसानी पाली। उस करके रखड़ा साहब दे नाल इन्हां लोकां दा प्यार बहुत ज़्यादा है। जिवें बाद दोपहर हो चुकी है और गर्मी का भी पारा वध चुका है, सुरजीत सिंह रखड़ा नवा गाँव पिंड पहुंचे हैं, पिंड वाले कोई बंदा मौजूद ने, उन्होंने जानते हैं भी किस तरीके की मुश्किल इस पिंड में हैगियां ने। हाँ जी साहब साहब की नाम थोड़ा? मेरा नाम गुरबख्श सिंह है जी, मैं पिंड का वसनीक हाँ जी। देखो साडा पिंड एक बहुत ही कुछ हरियाणे के बार्डर करके पछड़िया सीगा, ते साडे पिंड ज़्यादा गरीब वसों ज़्यादा गरीब लोग ज़्यादा रहिंदे ने, इस करके साडे पिंड च पहला कोई काम नहीं होया। पर पिछले 5 सालों के रखड़ा साहब के कैब मंत्री के दौरान साडे पिंड दे विच उन्होंने इन्ने विकास के काम कराए ने भी जो मैं कह सकता जी। आप गली दे खड़े हाँ, ये कच्ची इत्थे मिट्टी उड़ती हुई ये भी रखड़ा साहब ने बनवाई है। आप मेरे पिछे पंचायत भवन है, ये भी रखड़ा साहब ने बना के दिता सानू, जो सानू बहुत सहूलत है जी। हर साडे फंक्शन होंदे ने इत्थे, ते साडा सीवरेज पवा के टोबे का काम कराया जिहड़ा, ते आ सुविधा सेंटर है मेरे सामने बड़ा जिहा देखो तुसी। ये साडा 10 पिंडां दा रखड़ा साहब ने दिता ही, जाके गरीब लोकां नू बाहर जाना पैंदा सी काम करन, सारे काम इत्थे हुंदे हन। ये सरकार ने बनदियां सारे सुविधा सेंटर साडा बंद करता है, ते जिहड़े साडे पंचायत दा फंड पिया सीगा रखड़ा साहब दा दिता होया वो भी इन्हां ने रोक लिया, वो भी नहीं लाण दिता सानू। मेरा पिंड धरमेड़ी है जी, साढ़े पिंड बहुत विकास इन्हें किया। जिदन की राणी आई उदन के आके बड़े भी नहीं है जी, तो उन्होंने आके ये नहीं पूछा थोड़ा की है। जी पिलसना मिलदियां ना वो भी बंद ने हिसाब दियां, जी सगन स्कीम है वो भी बंद की हुई है इन्होंने, रुकी हुई सारी, कुछ कम नहीं हो रहा जिदन तो आए ने। एक भी जो इन्होंने वादे किए सारे ही मुकर चुके हैं, जो इन्हें ग्रंथ साहब हाथ से फड़िया वो भी मुकर चुके। बाकी इन्होंने जो कर्जे की माफ़ी जिमींदारों आखी एक नहीं दी। साढ़े पिंड होया नहीं कर्जा माफ? ना जी कुछ नहीं होया। रखड़ा साहब एनडीए कैंडिडेट हैं, जो देश में मोदी लहर चल रही है वो बहुत ज़बरदस्त अंडर करंट है। जिन्हें भी पढ़ा लिखा वर्ग है वो समझता है कि देश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए है। और दूसरे पासे जो पिछले 10 साल में अकाली पार्टी ने डेवलपमेंट करी थी, पर पिछले 2 साल से जी सरकार आई भी है, 2.25 साल हो गए। 2.25 साल में इस सरकार ने जो वायदे करे थे वो कोई वायदा नहीं पूरा कर सकी। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੀੜ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰ ਕੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, पर यह एक छोटे दर्जे उठ के प्राइम मिनिस्टर बनया। तो सुरजीत सिंह रखड़ा बीजेपी नाल जुड़िया, ये भी संस्कार सिमिलर ने। इन्होंने भी देश सेवा बड़ी की और सधारण आदमी की बाँह पकड़ी। मैं इन्हों की वाहगुरू अगे अरदास करदा जे जित के सेंटर च भाग गए साडे पंजाब दा कल्याण करन। पटियाला लोक सभा हलके तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सुरजीत सिंह रखड़ा का अज कैंपेन ट्रेल तो दिखाया। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੰਪੇਨ ਟ੍ਰੇਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।